हजारीबाग में पुलिस कस्टडी में व्यवसायी की संदिग्ध हालत में मौत मामले ने तुल पकड़ लिया है। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इसे गंभीरता से लिया है। विधायक मृतक के परिजनों के साथ सदर थाना पहुंचे और डीएसपी सदर के साथ बैठक की। इस दौरान मनीष जायसवाल काफी गुस्से में दिखे। उनका साफ कहना था कि जो पुलिस वाले इसके लिए दोषी हैं, उन सभी पर 302 का केस दर्ज किया जाए। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने थाने में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। भारी विरोध को देखते हुए परिजनों के आवेदन पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। मनीष जायसवाल ने बताया कि इस मुद्दे को अंतिम चरण तक ले जाएंगे और इसके लिए जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम रांची की फॉरेंसिक टीम की निगरानी के लिए डीसी को आवेदन दिया। इस थाने में और ये दोनों को क्या नाम है उसका बोलता है कि इन लोगों को बाहर भेजिए। अभी हम बोलवाते हैं उन लोग से कि देखिए क्या क्या बोलेगा अभी सर, ये पैसा मांग रहा है, ये पैसा मांग रहा है, छोटी रखते हो तो इसमें दिक्कत क्या है, तो ये करते हो वो करते हो लेंगे ही ना भाई, जो चीज दिख रहा है उसको कैसे करें कि हम बात करेंगे। हम तो अभी आपको बात किए कि आप अपने सब पुलिस वालों को बाहर निकालिए जो थाना लेवल के हैं। हम आपको सुनने बता रहा था, आप भी जाते हैं कि उनको इतने बढ़िया से कि भाई भैया अंदर से ठंडा पड़ रहा है और थाना में इनको कपड़ा खोल के मारा है। ये बड़ा नहीं बहुत बड़ा घटना है, ये अंडर कस्टडी डेथ का मामला है। पुलिस पता नहीं किस आधार पर कहां पर केस हुआ है ये मालूम नहीं है, कहां कांड हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन दर्ज यहां पर आनन फानन में कल किया गया है। एक गाड़ी सुना है रायपुर से चोरी हुई है किसी माल का, उसका यहां से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर केस दर्ज करा करके कल रात में पुलिस वाले गए हैं, उस व्यापारी को उठाया गया, उसके यहाँ से कोई माल नहीं मिला है, उस पर्टिकुलर आदमी के यहाँ से कोई माल नहीं मिला है। हमको नहीं मालूम है कि वो करता था नहीं करता था, किया नहीं किया, लेकिन उसको उठा करके ले गए ये लोग और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिंपल है, पुलिस के द्वारा मारा गया मामला है। हम लोग इसी बात को लेकर के थाना आए थे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जिसको रक्षक माना जाता है उसने भक्षक का काम किया। बहुत सारे संदिग्ध इसमें मैटर प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। गाड़ी कहां से चोरी हुआ इसका पता नहीं है, केस इस थाने में दर्ज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी और को बनाया जाता है, वहां कोई और जाता है, किस अधिकार से जाता है, क्यों जाता है, इसका कोई जवाब यहां के लोगों के पास नहीं था। देखिए कल एक घटना घटित हुई है, एक कांड के अनुसंधान के क्रम में एक घटना घटित हुई है जिसमें एक जो व्यक्ति हैं पूछताछ सहयोग के लिए लाया गया था उसी दल में उनकी घटना हो जाती है और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संदर्भ में सदर थाना में भी ओडी फंड रजिस्टर किया गया है जो पुलिस का स्टेटमेंट के अनुसार से, और उसकी जांच की जा रही है। और उस दौरान जो घटना के क्रम में जिसके द्वारा लगा है कि कुछ लापरवाही पुलिस पदाधिकारी के द्वारा की गई है, उस संदर्भ में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट भी किया है, पश्चात वो सस्पेंड भी हुए हैं। और पूरे घटनाक्रम का एक जो विधिवत जांच प्रक्रिया है उसको हम लोग करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट दिया हुआ है, वो अभी तुरंत होने जा रहा है।